हेलो गाइस, आई एम नीतू निगम। वेलकम टू माय चैनल, माय पारसारा बाई नीतू निगम। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं यूनिफाइड काउंसिल फाउंडेशन के द्वारा ओलंपियाड एग्जाम के बारे में विस्तृत जानकारी। 2022-23 के लिए इसकी रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी है, तो आइए इस एग्ज़ाम के बारे में हम डिटेल्स जानेंगे। इससे पहले आपको मैं बताना चाहती हूँ कि जो हमारे चैनल पर पुराने सब्सक्राइबर हैं या जो नए हैं, उनके लिए हमारे चैनल पर मैं क्लास फर्स्ट से फिफ्थ तक के बच्चों के लिए डिफरेंट टाइप के ओलंपियाड एग्ज़ाम, समय समय पर कौन कौन से ओलंपियाड एग्ज़ाम होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में होते हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन डेट कब होती है, इन सभी के बारे में समय समय पर मैं अपने चैनल में अवगत कराते रहती हूँ। साथ ही ओलंपियाड एग्जाम से रिलेटेड वर्कशीट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। साथ ही क्लास फर्स्ट से फिफ्थ तक के ऑल सब्जेक्ट के वर्कशीट प्रैक्टिस के लिए हमारे चैनल पर मौजूद है, जिसे आप हमारे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इससे पहले भी हमने SOF ओलंपियाड एग्जाम, सिल्वर जोन ओलंपियाड, इंडियन स्कूल टैलेंट सर्च एग्जाम, विंटर सेशन एंड समर सेशन, इन सभी के बारे में ओलंपियाड एग्जाम की जानकारी हमने दी है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर इसे देख सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो के बारे में बात करते हैं। आज हम जानेंगे यूनिफाइड काउंसिल क्या होता है। यूनिफाइड काउंसिल एक प्रोफेशनली मैनेज प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन है एजुकेशन के फील्ड में, जो 1998 से यह काम कर रहे हैं। हमें क्यों यूनिफाइड काउंसिल में पार्टिसिपेट करना चाहिए इसके द्वारा ओलंपियाड एग्जाम में? फर्स्ट रीजन यह है कि यह करीब 30 कंट्री में लास्ट 25 ईयर से कंडक्ट कर रहा है, बेस्ट ओलंपियाड सर्टिफाइड बाय द टाइम्स ऑफ इंडिया, फर्स्ट इंडियन ISO 9001 सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन इन टेस्टिंग एंड असेसमेंट है, मोर देन 11 मिलियन स्टूडेंट हैव पार्टिसिपेट इन आवर ओलंपियाड। लगभग 11 स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं एंड हाईएस्ट रेटिंग बाय एजुकेशन वर्ल्ड मैगजीन। अब हम जानेंगे कि स्टूडेंट को क्यों पार्टिसिपेट करना चाहिए। साइंटिफिकली डिजाइन एंड स्किल बेस्ड ओलंपियाड है, केयरफुली क्राफ्ट बाई एक्सपर्ट इन द फील्ड ओलंपियाड क्वेश्चन पेपर आर डिजाइन टू टेस्ट अ स्टूडेंट अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग रहती है, कमांड ओवर फंडामेंटल्स को इसमें शामिल किया जाता है, स्किल इन अप्लीकेशन ऑफ नॉलेज रहते हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरी कॉन्सेप्ट रेदर इट्स मेमोरीज। यानी इस ओलंपियाड एग्जाम में बच्चों को सिलेबस के कॉन्सेप्ट को समझने पर फोकस किया जाता है, न कि उसकी मेमोरीज पर फोकस किया जाता है। वो अपने कॉन्सेप्ट में कितने स्किल हो चुके हैं, उनका फंडामेंटल पर कितना कमांड है, और किसी भी प्रॉब्लम अप्रोच को, कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को वो अपने आप में शामिल कर पाते हैं, इन सभी को ध्यान में रखकर इस ओलंपियाड में क्वेश्चन किए जाते हैं। जैसे कि अभी हमने आपको बताया, स्किल बेस्ड एग्जाम होती है। स्किल जैसे कि NCERT कई अलग अलग तरीकों से अन्य परीक्षाओं के विपरीत है, ये हम जान लेंगे, क्योंकि इसमें जो है सोचने की आवश्यकता है, न केवल रखने की ताकत और कमजोरियों को उजागर करके विस्तृत कौशलवार प्रतिक्रियाओं पर यहाँ पर ध्यान दिया जाता है। Provide benchmark of a student of all over India. Allow student to know where she stand. इस एग्जाम के द्वारा बच्चे जान पाते हैं कि सही में वो कहां पर खड़े हैं, अर्थात उन्हें कितना आ रहा है। Next, provide details, analysis and feedback. इस एग्जाम के द्वारा उन्हें एनालिसिस किया जाता है और फीडबैक दिया जाता है, जिससे बच्चे समझ पाते हैं वो किस पॉइंट पर, किस सब्जेक्ट में, किस पॉइंट पर वो स्ट्रेंथ है और कहाँ पे उनमें वीकनेस है। लो कॉस्ट अफोर्डेबल एक्सेसेबल फॉर ऑल स्टूडेंट थ्रू स्कूल और इंडिविजुअली। इसकी एग्जामिनेशन फीस काफ़ी कम है, जिससे कि कोई भी इसी पे इसे अफोर्ड कर सकता है। इसके साथ ही हम जानेंगे कि
कौन कौन से सब्जेक्ट में यह एग्जाम यूनिफाइड काउंसिल करवाती है। तो मेनली यूनिफाइड काउंसिल जो है फोर सब्जेक्ट में ओलंपियाड एग्जाम कंडक्ट करवाती है। पहला है यूनिफाइड साइबर ओलंपियाड अर्थात कंप्यूटर ओलंपियाड, सेकेंड इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, थर्ड यूनिफाइड इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड एंड फोर्थ नेशनल लेवल साइंस टैलेंट सर्च अर्थात साइंस ओलंपियाड। अब हम डिटेल इन सभी एग्जामिनेशन के बारे में जानेंगे कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जामिनेशन मोड क्या है, एग्जाम लेवल क्या होती है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं साइंस के बारे में। इसमें स्टूडेंट की एलिजिबिलिटी क्लास फर्स्ट से 12 तक के बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं। एग्जाम मोड यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मौजूद रहता है। ऑनलाइन डायरेक्ट स्टूडेंट इंडिविजुअली ऑनलाइन इसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ऑफलाइन के द्वारा इनमें स्कूल के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। तो जिस बच्चों के स्कूल में इस एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जाता है वो वहाँ से फॉर्म भर के ऑफलाइन एग्ज़ाम दे सकते हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 18/12/2022 यानी 18 दिसंबर संडे को ये एग्जामिनेशन है ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। एग्जाम लेवल जो है इंटरनेशनल लेवल एग्जाम होती है, इनकी कैटेगरी जो होती है सिलेबस इंटरनेशनल लेवल की होती है और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट होती है unifiedcouncil.com, इस पर आप जाकर पूरे डिटेल्स देख सकते हैं। एग्जामिनेशन फीस इसकी 354 GST इंक्लूड करके इसकी होती है साइंस सब्जेक्ट की। और सिलेबस जो है CBSE, ICSE एंड ICSE एंड द वेस्ट अदर स्टेट बोर्ड सिलेबस जो रहता है उनसे ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चंस उनसे आते हैं। मोर देन 100% नहीं, 80% क्वेश्चन उनसे ही आते हैं। अब इसके बारे में जानेंगे एग्जाम पैटर्न क्या होता है। तो ऑल क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं और नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। कोई भी रॉन्ग आंसर के लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब क्लास वाइज देख लेते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन, मार्क्स एंड ड्यूरेशन। क्लास फर्स्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 रहते हैं एंड क्लास सेकेंड में 50 रहते हैं एंड क्लास थर्ड टू 12th में 60 रहते हैं। मार्क्स 40 एंड 41 मार्क्स पर क्वेश्चंस हो जाते हैं। उसी प्रकार क्लास सेकेंड में 1 मार्क्स हो जाते हैं पर क्वेश्चन एंड क्लास थर्ड टू 12th में 60 रह जाते हैं। ड्यूरेशन 1 आवर्स सभी क्लास के लिए, इसके एग्जाम का ड्यूरेशन 1 आवर्स रहता है। साइंस पेपर में अगर आप भरते हैं तो इसमें दो सेक्शन पूछे जाते हैं, मैथमेटिक्स एंड जनरल साइंस क्लास फर्स्ट के लिए। क्लास सेकेंड के लिए मैथमेटिक्स एंड जनरल साइंस क्वेश्चन डिवाइडेड है, आप वीडियो को पॉज करके डिटेल्स और देख सकते हैं। क्लास थर्ड से फिफ्थ तक के लिए मैथमेटिक्स जनरल साइंस एंड क्रिटिकल थिंकिंग के भी 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी प्रकार क्लास 6 to 10 तक के मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारे सब्जेक्ट इसमें ऐड हो जाते हैं क्लास 6 से 10 तक के बच्चों के लिए। अब हम जानेंगे उसी प्रकार मैथमेटिक्स ओलंपियाड, ये क्लास फर्स्ट से 12 तक के बच्चों के लिए ना होकर 10 तक के बच्चों के लिए ही ऑर्गेनाइज की जाती है। एग्जामिनेशन मोड यहाँ पर भी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन होती है। ऑफलाइन एग्जामिनेशन आप स्कूल के थ्रू कर सकते हैं जिसका डेट है 20/2023 फ्राइडे एंड 3/2/2023। ये कोई दो डेट्स हैं स्कूल को प्रोवाइड कराई जाएगी। जो स्कूल इन दोनों डेट में से एक डेट करेगा उस डेट पर उस स्कूल में एग्जाम होगी। और ऑनलाइन एग्जाम डेट 29/1/2023 संडे को इंग्लिश पेपर की एग्जाम होगी। इस प्रकार बाकी सब चीज भी सेम है, खाली एग्जामिनेशन फीस हम देख लेते हैं। इसमें एग्जामिनेशन फीस 150 रुपीज ही लग रही है जबकि साइंस में क्या था 354 रुपीज लग रहे थे। नेक्स्ट एग्जाम पैटर्न में इस प्रकार क्वेश्चन आ जाते हैं। यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव टाइप ही रहता है, नो नेगेटिव मार्किंग रहे फॉर रॉन्ग आंसर के लिए। नंबर्स ऑफ क्वेश्चन 40, 50 एंड 50 ही रहते हैं एंड मार्क्स जो होते हैं 40, 50 एंड 60। ड्यूरेशन 1 आवर्स का हो जाता है। उसी प्रकार क्लास फर्स्ट से सेकेंड के लिए मैथमेटिक्स में अगर आप ओलंपियाड एग्जाम फिलअप कर रहे हैं तो दो सेक्शन में उन्हें देना होता है, लॉजिकल रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स। मार्क्स
मैथमेटिक्स के लिए रहता है एंड 10 मार्क्स लॉजिकल रीजनिंग के लिए। उसी प्रकार क्लास थर्ड के लिए मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। फिर क्लास 6 to 10 के लिए मैथमेटिक्स 1, मैथमेटिक्स 2, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। जैसे जैसे क्लास ऊपर बढ़ती जाती है उस प्रकार जो है क्वेश्चन का पैटर्न टफ होता जाता है। अब हम जान लेते हैं इंग्लिश ओलंपियाड। इंग्लिश ओलंपियाड में स्टूडेंट्स एलिजिबिलिटी क्लास 2nd से 10th तक की है। यहाँ पर क्लास 1st के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं और ना ही 11th एंड 12th के बच्चे। सिर्फ क्लास 2nd to 10th तक के बच्चों के लिए ही इंग्लिश ओलंपियाड की एग्जाम कंडक्ट कराई जा रही है। एग्जाम मोड वही रहते हैं। एग्जाम डेट इसकी है 4/11/22 एंड 18/11/22। ऑनलाइन डेट हो जाती है एग्जाम की 20/11/2022 यानी 20 नवंबर को है। एग्जाम लेवल इंटरनेशनल रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट वही रहेगी। एग्जामिनेशन फीस इसकी 150 रुपीज रहती है। सिलेबस इसके भी वही सीबीएसई, आईसीएसई एंड आईसीएसई अदर स्टेट बोर्ड से रिलेटेड ऑलमोस्ट 80 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एग्जाम पैटर्न इंग्लिश है। ऑल द इंग्लिश का एग्जाम पैटर्न हम देखेंगे। हाँ, और साथ ही आपको यह भी बता दें ये चारों ओलंपियाड एग्जाम जो भी आपके इंग्लिश, मैथ, साइंस एंड कंप्यूटर उसका मीडियम इंग्लिश ही रहता है। यहाँ पर क्लास 2 से 4th तक क्वेश्चंस रहते हैं, 50 मार्क्स होते हैं। ड्यूरेशन 1 आवर्स ही रहता है। इसी प्रकार क्लास 2 से 4th तक के लिए इंग्लिश वोकैबुलरी, फंक्शनल ग्रामर, रीडिंग, कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटरेक्टिव इंग्लिश ये सभी पूछे जाते हैं क्लास 2 से 4th तक के बच्चों के लिए। और 5 से 10th तक के बच्चों के लिए वोकैबुलरी, फंक्शनल ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड इंटरेक्टिव इंग्लिश, इसमें मार्क्स आपके डिवाइड किए गए हैं, आप इसे देखते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं साइबर ओलंपियाड, कंप्यूटर ओलंपियाड। ये क्लास 2nd से 10th तक के बच्चों के लिए है। यहाँ पर भी क्लास 1st और 11th एंड 12th के बच्चे के लिए एग्जाम नहीं कंडक्ट करवाई जाती है। अभी एग्जाम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में मौजूद है। आप अपनी इच्छा अनुसार रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। स्कूल के थ्रू एग्जाम होने पर 19 अक्टूबर को इसके एग्जाम एंड ऑनलाइन एग्जाम इसके 23 अक्टूबर 2022 को होंगी। इसी प्रकार ऑफिशियल वेबसाइट से है। एग्जामिनेशन फीस 150 लगेगी और मीडियम एग्जाम का इंग्लिश ही रहेगा। हिंदी मीडियम एग्जाम यहाँ पर नहीं होती है और सिलेबस भी ऑलमोस्ट वही रहते हैं। इस प्रकार एग्जाम पैटर्न वही रहता है। नो रॉन्ग आंसर फॉर नेगेटिव मार्किंग एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 एंड मार्क्स 50 पर क्वेश्चन, पर इच क्वेश्चन 1 मार्क्स हो जाते हैं। ड्यूरेशन 1 आवर्स हो जाते हैं। कंप्यूटर पेपर के जब आप एग्जाम देते हैं तो इसमें आपका क्वेश्चन डिवाइड होता है मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, कंप्यूटर एंड इंग्लिश। ये 4 सेक्शन में डिवाइड होकर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी प्रकार डेवलप ऑफ इंडियन करिकुलम डिफरेंट ओलंपियाड एग्जाम से, और ओलंपियाड एग्जाम से ये डिफरेंट क्यों है यहाँ पर एक थोड़ा सा चार्ट के द्वारा बताया गया है। डेवलपमेंट ऑफ इंडियन करिकुलम को डेवलप किया जाता है जो सभी ओलंपियाड में किया जाता है। टेस्ट एकेडमिक लर्निंग सभी ओलंपियाड में किए जाते हैं। साइंटिफिकली डिजाइन जो इसी ओलंपियाड के में किए जाते हैं, अदर्स ओलंपियाड में नहीं होते। टेस्ट कॉन्सेप्चुअल लर्निंग नॉट जनरल स्किल ओनली, ये सिर्फ इस एग्जाम में, इस यूनिफाइड काउंसिल के एग्जाम में ही रहते हैं, अदर ओलंपियाड में नहीं रहते हैं। स्किल बेस्ड यहाँ पर ध्यान दिया जाता है एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट पर भी ध्यान दिया जाता है। डिटेल ऑफ अवार्ड, अब हम अवार्ड के बारे में जान लेंगे कि किस तरह इस एग्जाम को कंडक्ट करने के बाद अवार्ड दिया जाता है। पहला हो जाता है रैंकिंग सिस्टम। जब एक से अधिक छात्र टॉप अंक प्राप्त करते हैं और रैंक देने के लिए प्राथमिकता प्रश्न पत्र में अनिवार्य रूप से प्राप्त अंकों के अनुसार होती है। समान अंकों के कारण एक रैंक तय हो गया। अगर मान लो बच्चों को समान अंक मिल गए तो परीक्षा को पकड़ने में लगने वाले समय के आधार पर उनका चयन किया जाएगा। जान लेते हैं प्राइज ऑफ नेशनल अचीवर्स। एनसीएसटी टॉपर से 2 लाख रुपए कैश, 2 लाख रुपए उन्हें कैश प्राइज दिया जाता है। स्टूडेंट हु अचीवर्स इन द फर्स्ट रैंक ऑफ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ मार्क्स अमंग द क्लास डिक्लेयर एनएसटी टॉपर। अगर वो फर्स्ट रैंक और हाईएस्ट
उसे आती है तो उसे 2 लाख रुपया दिया जाता है। लैपटॉप एंड टैबलेट के बाद जो रैंकर्स होते हैं उन्हें लैपटॉप एंड टैबलेट दिया जाता है। रैंक 4 से 10th एंड 11 से 25 ईच क्लास, सभी क्लास के बच्चों को कैश प्राइस 2000 एंड 1000 रेस्पेक्टिवली प्रत्येक बच्चों को दी जाती है। फिर रैंकर 26 से 100 तक क्लास 1 से 9 तक के सभी को बीएम टैलेंट एंड ऑल एग्जाम रिसोर्स बुक प्लस 11th 12th फॉर मैसेज ब्रेन मैपिंग एकेडमी के द्वारा प्रदान की जाती है। फर्स्ट से मार्क्स अवार्डेड ऑल कोच ऑनलाइन सेशन फॉर 190 जो उन्हें दिया जाता है और इस प्रकार जो भी उस एग्जाम में आते हैं। आप स्टेट लेवल पर देख लेते हैं कि स्टेट लेवल पर स्टेट टॉप यानी यहां आपको अवार्ड 2 लेवल पर नेशनल लेवल एंड लेवल पर भी दिया है, स्कूल लेवल पर भी दिया जाता है। स्टेट टॉपर के लिए प्रत्येक स्टेट में फर्स्ट से 1 तक 3 रैंक विशेष 10,000 स्टूडेंट को अवार्ड स्पेशलाइजमेंट अवार्ड दिया जो उन्हें 1,108 एंड सर्टिफिकेट दिया जाए। क्वेश्चन वाइज टॉप रैंकर ऑफ फर्स्ट टू नेक्स्ट फ्रॉम सेक्टर सिटीज कॉन्सोलेशन प्रोग्राम कॉन्सोलेशन प्राइज है वो कक्षा फर्स्ट से 9 तक के सभी प्रतियोगी ओलंपियाड कोच ऑनलाइन सदस्यता में सम्मानित किया जाता है जिसकी कीमत 1,998 और प्रशंसा का एक सर्टिफिकेट एप्लीकेशन भी दिया जाता है। अब ये कुछ लिस्ट ऑफ सिटी हैं जहां पर ये ऑर्गेनाइज किया जाता है, यहां पर आप देख ले सकते हैं। और इस प्रकार स्टूडेंट एवरी 2 अचीवर्स 100% मार्क्स वाले को 2 लाख रुपये प्राइज दिया जाता है जो अभी हम देख चुके हैं। तो आई होप ये एग्जाम से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिल चुकी है। अगर कोई जानकारी छूट गई हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखकर आप इसे पूछ सकते हैं जिसे मैं जवाब दूंगी। और साथ ही आपको यह भी बताना चाहूंगी सब्जेक्ट वाइज एंड क्लास वाइज डिटेल्स सिलेबस एंड क्वेश्चन पेपर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर मैं अलग से वीडियो लेकर जिसे आप देखना ना भूलें। सब्जेक्ट वाइज एंड क्लास वाइज क्वेश्चन पेपर भी मैं लेकर आऊँगी वहाँ के और उसे एक्सप्लेन करूँगी। तो आज के लिए इतना ही और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।